अस्सलाम वालेकुम। हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अल्लाह के करम की बदौलत और अवामी एतमाद के बलबूते पर तहलका मचा दिया पूरी न सिर्फ जो रियासत जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरी पूरे मुल्क में। मैंने उस वक्त भी अगर आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि हम सरप्राइज दे रहे हैं पूरे मुल्क को। और आज आप ये टाइम याद रखिए, 3:11 हुए हैं, ये लिखिए, एक और सरप्राइज देने हम जा रहे हैं पूरे मुल्क को। हम एक और सरप्राइज देने जा रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी, अवामी एतमाद के बलबोते पर रवायती पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले में एक अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पर पेश कर रही है, और ये काबिल कबूल अल्टरनेटिव होगा रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम को। हमारी पार्टी में बेशुमार लोग, हम पब्लिसिटी में यकीन नहीं रखते हैं, बेशुमार अच्छे लोग पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यहाँ हमारे पास आए, हमसे शामिल हुए, इस कारवां में शामिल हुए। के हुनहार ये सिर्फ दस्ती रास्त ही नहीं है रशीद साहब के, रशीद साहब ही बजाते खुद ये हैं, जनाब फिरदौस बाबा साहब। और मेरी खुशी है, आई वेलकम दिस जेंटलमैन इन आवर पार्टी फोल्ड। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह 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 इस बार आप नई हालत देखेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी की। जैसा कि आपको पता है कि 18th को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ डिलिबरेशंस कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनैलिटी से भी वहाँ मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पांपोर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये DDC मेंबर है। दूसरे जो है त्राल से है डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफ़ी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज़ वगे साहब होंगे। दमाल हांजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सुहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक हमारे कैंडिडेट होंगे, और अनंतनाग 14 से तौसीफ निसार होंगे। अभी तक ये लिस्ट हमारे पास आया है, ये सारी डिलीबरेशंस करके सिविल सोसाइटी से मिलकर हमारे पास काफ़ी सारे एक्स MLAs अप्रोच कर रहे हैं पार्टी मैंडेट के लिए। बहुत सारे पार्टियों के MLAs, फॉर्मर MLAs हमें अप्रोच कर रहे हैं, MPs की भी कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जो इस वक्त तिहार जेल में बंद है, उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों के साथ डिलीबरेशन करके उनसे नाम लेकर वही इंजीनियर रशीद साहब का नाम होगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में।